सुबह लगातार बारिश प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हुई और तेज बारिश हुई, ऐसा ही अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से लगाया गया है कि आने वाली 12 तारीख तक 13 तारीख तक किसी प्रकार से बारिश का क्रम चला रहेगा। हालांकि बीच बीच में धूप खिलने की भी उम्मीद है क्योंकि येलो अलर्ट है अधिकांश क्षेत्रों पर, और ऐसे में जब मूसलाधार बारिश होती है उसके बाद फिर एक हल्का सा राहत स्पेल में ज़रूर मिलती है लेकिन फिर दोबारा से बारिश है। और अगर आज के हाल भी हम देखें, आज भी यही स्थिति है। लगभग 3 बजे से सुबह बारिश लगातार जारी है और कुछ देर पहले बारिश थमी है लेकिन अब दोबारा से जो आसमान में स्थिति बादलों की बनी हुई है उससे लग रहा है कि कुछ देर बाद दोबारा से बारिश शुरू हो जाएगी और पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। इस बारिश से एक तरफ टेम्परेचर में बड़ी गिरावट आई है पूरे प्रदेश में, ज़रूर टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री गिरा है, लेकिन जिस प्रकार से बारिश अधिक हो रही है और पिछले 6 दिनों में अगर हम बात करें तो जो जुलाई में एवरेज बारिश होती थी उससे 106% ज़्यादा बारिश हुई है पूरे प्रदेश में। तो अब ये अनहोनी का भी आशंकाएं लगातार, जिस प्रकार से सड़कें बंद हैं, बड़ी संख्या में विद्युत ट्रांसफार्मर बंद हैं, पेयजल की योजनाएं प्रभावित हैं, अब रात तक की जो स्थिति थी वो ज़रूर चिंताजनक थी और इससे प्रदेशवासियों को और जो पर्यटक प्रदेश में आते हैं उनको ज़रूर चिंता की बात उनके लिए है। और एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि जो डैम्स जितने भी प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के बांध हैं उनसे अब पानी छोड़ने का क्रम शुरू हो चुका है। खासकर जो नदियां सीधे बरसाती पानी के साथ अटैच हैं जिनका फ्लो इंक्रीज होता है उनमें जरूर दिक्कत है, चाहे पंडोह की बात करें वहां से अब डैम छोड़ने पानी छोड़ने का सिलसिला और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा जो सतलुज नदी के आसपास की जल विद्युत परियोजनाएं उन पर भी यही स्थिति है। तो सतलुज और ब्यास दोनों से अलर्ट पर रखा गया है जल विद्युत परियोजनाओं को ताकि डैम से एकदम से पानी ना छोड़ना पड़े जैसा पिछली बार छोड़ा था और फिर एक विकराल स्थिति प्रदेश में हुई थी। चेतावनी अब यही है कि अलर्ट पर 12 तारीख तक रहें पूरे प्रदेश में जितने भी प्रबंधन है, चाहे विद्युत से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर जो अन्य सिंचाई परियोजनाएं हैं या अन्य लोग हैं, और इसके लिए प्रशासन की तैयारियां भी की गई हैं। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया है कि जिला स्तर पर टीमें गठित की गई हैं, हर विभाग का एक अधिकारी शामिल किया गया है ताकि अगर कोई इमरजेंसी स्थिति होती है तो फिर सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन हो सके, ये कोशिश की गई है। लेकिन जहां लैंडस्लाइड हुए हैं वहां स्थिति जरूर चिंताजनक है, अब देखना होगा कि कितने जल्दी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाते हैं, जहां मकानों को खतरे बने हुए हैं वहां कितने जल्दी डंगे लगाए जाते हैं या फिर क्या प्रबंध प्रशासन की तरफ से। ठीक है राजेंद्र, यानी कि हालात फिलहाल पिछली बार के मुकाबले हालात थोड़े कंट्रोल में है। येलो अलर्ट जारी किया गया है, मैक्सिमम अभी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि ऐसा खतरे की कोई संभावना नहीं है लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। विचित्र जुड़े हुए, कांगड़ा से हेम चंबा से जुड़ गए हैं और लाहौल स्पीति से हमारे साथ प्रेमलाल जुड़े हुए हैं। लाहौल स्पीति और चंबा का रुख करेंगे, उससे पहले कांगड़ा का रुख कर लेते हैं। जी विचित्र, कांगड़ा में क्या हालात है? हालांकि वहां पर भी चेतावनी और सतर्क रहने को कहा गया, ऐसा अलर्ट फिलहाल के लिए कोई जारी नहीं किया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा है जाश्वन, देखिए हालांकि आज के लिए कोई इस तरह का कोई अलर्ट नहीं था। हालांकि यूं देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में आज जो है और कल मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया था, लेकिन मैदानी इलाकों में और मध्यम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर निश्चित तौर पर जो है वो बारिश होने की संभावना जताई गई थी। और आज जैसा कि हमारे सहयोगी राजेंद्र ने बताया कि आधी रात 3 बजे के बाद से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी, तो ठीक उसी तरह से आज हम लोगों ने कांगड़ा में और कांगड़ा के अलग अलग हिस्सों में जो है काफी ज्यादा बारिश जो है वो आज देखने को मिली है। भी करीब 1 घंटा तक जो है वो रुक रुक कर बारिश हुई और काफी मूसलाधार बारिश हुई। तस्वीरें मैं साझा करना चाहूंगा क्योंकि मैं इस वक्त किसानों के खेतों में ही मौजूद हूं और इसकी जो बानगी है आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का जलभराव भी खेतों में हो चुका हुआ है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बारिश जो है वो आज यहां पर हुई होगी। और ठीक इसी तरह से 10 से लेकर 13 जुलाई तक भी अलर्ट जो है वो येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है कि बारिश जो है वो हो सकती है, इसलिए आप लोग जो है वो सतर्क रहें। लिहाजा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि देखिए मानसून का सीजन है और वैसे भी सैलानी बहुत ज्यादा जो है कांगड़ा जनपद में भी आते हैं और अलग अलग हिस्सों में, कांगड़ा में तो अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्र भी है, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र भी है और मैदानी क्षेत्र भी है, तो यहां पर पिछले साल हम लोगों ने देखा कि पौंग डैम में किस तरह के हालात वहां पर बने थे और ब्यास का जलस्तर जो है वो बढ़ने से पौंग डैम का पानी एकाएक जो है वो छोड़ना पड़ गया था और कितने लोग बेघर हुए थे, कितने मवेशी जो है उसमें बह गए थे। तो इस बार ऐसा कुछ भी ना हो तो उसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है। लेकिन हाँ, अभी क्योंकि पौंग डैम से खतरे की कोई ऐसी बात जो है सुनाई नहीं दे रही है, ना तो उनकी ओर से कोई ऐसी सूचना जारी की गई है, क्योंकि अभी जो खतरे का निशान 1073 जो फीट रहता है उस तक पानी नहीं पहुंचा है, अभी भी बहुत कम पानी है।
पैमाने से कम पानी है। और हाँ, बारिश निश्चित तौर पर हो रही है, लेकिन उस बारिश का उतना असर जो है इन पोंग डैम्स में या फिर नदियों में नहीं पड़ रहा है, जिससे कि ये जो बांध है वो पूरी तरह से भर जाए। अभी उनमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत अभी महसूस की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग डिपार्टमेंट्स की बात करें तो अलग अलग, जैसे कि बीते कल जो है बारिश काफी ज्यादा हुई है, तो उसकी वजह से मुल्तान और ब्रोट और ये लोहारडी वाला जो मार्ग था वो पूरी तरह से बाधित था। और आज जिस तरह से बारिश हुई है जाशवन, उसकी अभी तक कोई तस्वीर या उसकी कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन हाँ दोपहर बाद तक जो जानकारी मिलेगी तो निश्चित तौर पर तमाम जो डिपार्टमेंट इस तरह की कोई तबाही की तस्वीरें या इस तरह की कोई खबरें जो बीते साल 8 से 10 जुलाई के बीच जिस तरह से मंजर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था, इस बार कम से कम वो नहीं है। और कांगड़ा से थोड़ा ऊपर लिए चलते हैं आपको चंबा, जहां से हेम ठाकुर जुड़े हैं। जी हेम, चंबा में भी हमें हल्की सी धूप खिली हुई नजर आ रही है और चंबा के लिए भी एज सच कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, बीते साल से सबक लेने की जरूरत है। जी जासमी, देखिए पिछले अगले 2 दिनों तक जिस तरह से अलर्ट बताया गया, येलो अलर्ट चंबा में बताया गया है, उसके लिए जो है प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि भरमौर के क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की कोई आपदा आए तो वहां पर उसे रेस्क्यू करने के लिए। पिछले साल की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान की बात चंबा जिला की बात करें तो ये भटियात विधानसभा क्षेत्र में स्यूंता में हुआ था, काफी लोगों के घरों को नुकसान हुआ था। और भरमौर जो मार्ग है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग भरमौर है, वहां पर एक दो जगह पर इतना ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ था कि वहां पर करीब 1 महीने तक जो है बड़े वाहनों के लिए वहां पर बहाली के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। यही वजह है कि प्रशासन तो अपनी तैयारियों की तो बात कह रहा है, लेकिन जिस समय ये आपदा आएगी तो देखने वाली बात तभी होगी कि उस समय जो ये आपदा कितनी कारगर सिद्ध होती है। फिलहाल आज यहाँ पर धूप खिली है, पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे जो बारिश हुई थी उस बारिश से कई क्षेत्रों में जो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र है उस वहाँ के जो कई ऐसे घर हैं वहाँ पे पानी आ गया था। देखिए जासमीन, मैं आपको बता दूं कि ये जो बरसात है कुछ अजीब सी बरसात है, क्योंकि 10 मिनट की इतनी जोर से बारिश होती है और तुरंत मौसम साफ हो जाता है, लेकिन 10 मिनट की बारिश में इतनी तबाही होती है वो देखने वाली बात है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, मलबा सड़क से नीचे आ जाता है। और एक बात, हाँ ये जो मलबा आ रहा है, क्योंकि बारिश होती है उससे कोई नुकसान नहीं होता है, पानी नालों से बहता हुआ नदी में पहुंच जाता है, लेकिन ये जो तबाही हो रही है, ये जगह जगह सड़क निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहां पर जो उस निर्माण कार्य का जो मलबा है वो नालों और नदियों में जो नदियों के किनारे पर फेंका जाता है, और जब भी इस तरह की बरसात होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो वो मलबा जो है वो पानी के साथ मिलकर लोगों के घरों में घुसकर तबाही करता है। यही वजह है कि जगह जगह पर लोगों के घरों में मलबा घुस गया या पानी घुस गया, ये जो बातें सुनने को आती हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने तैयारी तो कर ली है, तो मैंने पहले ही बताया कि जब ये आपदा आएगी उस समय पता चलेगा कि जो तैयारियां हैं प्रशासन की वो कितनी कारगर सिद्ध होती है। रावी नदी है, देखिए इसका जलस्तर एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो रावी नदी है इसका जलस्तर अभी भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हुआ है। हालांकि अभी मौसम बिल्कुल साफ है, आज रात को भी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन जब बारिश होगी तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रावी नदी का कितना रौद्र रूप देखने को मिलेगा। इसके नदी के किनारे पर जो जिन लोगों ने घर डाल रखे हैं उन्हें तो हमेशा ही खतरा रहता है, प्रशासन बार बार उनसे यही गुहार लगाता है कि ये जो घर हैं आपने बनाए गलत हैं, यहाँ से हट जाइए, लेकिन जब भी बारिश होती है तभी लोग वहां से हटते हैं। अचानक बारिश होती है, मैंने पहले कहा 10 या 15 मिनट इतनी जोर से मूसलाधार बारिश होती है कि चारों तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिलती है। अब देखना है यही होगा कि कब बारिश होगी, और 2 दिन जो जिस तरह से 2 दिन अलर्ट बताया है तो लोग तो तैयार हैं, लेकिन अभी जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ धूप की ठीक है, यानी कि अलर्ट लोगों को कर दिया गया है अगले 2 दिनों के लिए। और एक बार लाहौल स्पीति का रुख कर लेते हैं, प्रेमलाल वहां से जुड़े हुए हैं। प्रेमलाल, लाहौल स्पीति में उम्मीद से कम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों बागवानों को चिंता अब सताने लगी है। आगे आने वाले समय के लिए लाहौल स्पीति के लिए किस तरह से चेतावनियां और क्या कुछ प्रिडिक्शन किया गया है मेट डिपार्टमेंट द्वारा? जी बिल्कुल, प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश हो रही थी, लेकिन लाहौल स्पीति इससे बिल्कुल जो है यहाँ पर नाममात्र की बारिश हुई है। पिछले दिनों थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, लेकिन जो है जिस प्रकार से बारिश की कमी यहाँ पर महसूस की जा रही है, इसके चलते जो किसान और बागवान काफी चिंता में है, और क्योंकि अभी जो है फसल उनकी जो है नकदी फसल की बिजाई हो चुकी। हाँ जी, लोग यहाँ पर
बारिश का इंतजार कर रहे हैं और इसके साथ साथ लोग जो है क्योंकि पिछले साल जिस प्रकार से बारिश हुई थी और यहाँ पर भी काफी ज्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ा था लोगों को, सड़कें बंद हो गई थी और इसके साथ साथ पुलें भी यहाँ पर जो है ढह गई थी चंद्रा नदी में। लेकिन इस प्रकार इस साल जो है लोग क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो लोग काफी परेशान भी हैं, उसके साथ साथ थोड़े और उसके साथ साथ जो प्रशासन ने जिस प्रकार से पिछले साल के सबक लेते हुए इस साल लोगों को सचेत कर रखा है कि बारिश होगी तो इसमें थोड़ी जो अपनी एहतियात बरतें हैं, ऊंचाई वाले विशेषकर जो दर्रे हैं यहाँ के बारा लाचाला कुमलम दर्रा और उसके साथ साथ शिंखुला दर्रा, वहां पर जो है मौसम खराब होते ही बर्फबारी शुरू हो जाती है तो ऐसे में जो सैलानी होते हैं वो तो जो जिसके साथ साथ जो आवाजाही करते हैं उन्हें जो काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है और इसको देखते हुए प्रशासन इस बार काफी अलर्ट मोड में है और उन्होंने जिस प्रकार से प्रशासन दावा कर रहा है कि वो उन्होंने जो पिछले साल का सबक लेते हुए इस साल जो है उन्होंने काफी तैयारियां कर रखी है और विशेषकर जो ग्रामपुर से लोसर सड़क मार्ग है वहां पर जो है कनेक्टिविटी की काफी दिक्कत रहती है, वहां पर इस साल जो है जिला प्रशासन ने जो सेटेलाइट फोन है वहाँ पर देने का फैसला किया है और इसके साथ साथ जो चंद्रताल है वहाँ पर काफी सैलानी जाते हैं और इसके चलते वहाँ पर भी दिक्कतें जो है पिछले साल भी देखने को मिली थी और बर्फबारी भी हुई थी, तो इस साल जो है इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है उपायुक्त राहुल कुमार जो लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी लोगों को सचेत कर रहे हैं, उसके साथ साथ अब तैयारियों को लेकर भी यानी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर एक जिले में प्रशासन हो, चाहे एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, सभी की तैनाती कर दी गई है आगे आने वाले समय में इस तरह की आपदा पिछले साल की तरह ना आए और इतना जो हिमाचल प्रदेश में कोहराम मचा था उससे निपटने के लिए इस बार प्रशासन पूरी तरह से